प्रियंका चोपड़ा से आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले खातून ने कश्मीर के हवाले से सवाल किया था, तो क्या रिएक्शन था उनका भी और आगे से मैनेजमेंट का भी। अब वो प्रियंका चोपड़ा साहिबा, कुछ दिन पहले मेरे सामने एक वीडियो आई, तो वो वीडियोज उनकी आ रही होती हैं कि आज आइसोलेशन में हमारा पहला दिन है, डे सेकंड है, डे थर्ड है, डे फोर्थ है, और बता रही होती कि मैं घर में बंद हूँ। अब भी ऐसे लोगों को एहसास नहीं हुआ होगा कि कश्मीरी अपने घरों में कैसे बंद हैं और बाहर भारतीय जो फौज है वो जुल्म करने के लिए हर वक्त वहाँ पे खड़ी रहती है कि उनको खाना पीना, उनके जो मेडिसिन है, जो उनकी जरूरियात है, वो भी पूरी नहीं हो सकती। देखें, आज 242 डेज हो गए हैं और ये सिर्फ प्रियंका नहीं है, ये मैंने नाम लिया है, आपको याद होगा हमारे 10 दिन हुए हैं एंड वी नो ऑल ऑफ इंडियंस, बहुत बिल्कुल बहुत इंडियंस हैं। और सबसे बात है 242 डेज जिसमें वो घर में मैसूर, उसके बाद ना उनको दुनिया से, अभी तो हमारे साथ पापा तो इंटरनेट भी है, मैगजीन भी हैं, अखबार भी हैं, आप बुक्स भी हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू डू आप कर सकते हैं, कभी निकलना चाहें निकल भी जाते हैं। जस्ट थिंक देयर प्लाइट, फिर उनका बिजनेस ख़त्म 242 डेज से, जितने उनके बाग थे जो फ्रूट और ऑर्चर्ड थे सारे उन्होंने काट दिए, बिल्कुल फ्लैश कर दिए, ग्राउंड के अंदर मर्ज कर दिए, बिजनेस तबाह कर दिया है, यंग बच्चों को उठा के कैंपों में ले गए, उनको ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं, उनको डिफरेंट किस्म के अट्रैक्शन दे रहे हैं, वो लगे हुए हैं, फिर पकड़ के इंडियन जेलों में ले गए हैं। तो आप ये सोचें कि उनके साथ क्या गुजर रही है। मैं यही बात करता हूँ कि मैं हैरान हूँ, सबसे पहले तो अपने मुसलमान मुल्कों की सोच के ऊपर उनकी इंसानियत कहाँ चली गई, एंड देन वी शुड नॉट ब्लेम बाकी दुनिया के मुल्कों के, जब आपके मुसलमान मुल्क हम इस तरह की हमारी सोचो तो बाकी में क्यों सोचोगे। जितने इंसानियत के चैम्पियन बरदार मुल्क हैं, ह्यूमन राइट्स के देख लें, पाकिस्तान में अगर आप दहशतगर्द को सजाए मौत देते हैं तो वो खड़े हो जाते हैं, जी बड़ा जुल्म हो रहा है, ये जी सजाए मौत नहीं होनी चाहिए, और उसके बाद जो कश्मीर में हो रहा है वो किसी को नज़र नहीं आ रहा। तो ये चीज़ें हैं जो वर्ल्ड एजेंडे के ऊपर हैं, ये हमें रियलाइज़ करनी है। इसके लिए याद रखें, कोई आपकी तरफ नहीं देखेगा जब तक आप उनको अपनी तरफ देखने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। वी आर अ न्यूक्लियर कंट्री, वी आर एन इस्लामिक कंट्री एंड वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग आर्म फोर्सेज। द ओनली थिंग इज वी हैव टू मेड द वर्ल्ड रियलाइज दैट वी आर 6th, 7th, 8th न्यूक्लियर पावर इन द वर्ल्ड, एंड देन वी हैव लॉट ऑफ मिलिट्री बैटल हार्डन्ड, हमारे पास फौज है जिसका एक्सपीरियंस है वर्सेस इंडिया को क्या है। जब तक आपने हमें ना हम कमर्शियल फ्लाइट बंद की, ना हमने उनसे तजारत को बंद किया, ना हमने कोई अपना एक जो होता है पोस्टर जो है वो थोड़ा सा दिखाया जी कि खुदा ना खाता दो मुल्क जो न्यूक्लियर मुल्क हैं आई बॉल टू एबल खड़े हैं, कल को लड़ाई टिगर हैप्पी कोई हो तो लड़ाई हो सकती है, एंड देन इसकी डायनेमिक नहीं पता, पूरे सब कॉन्टिनेंट आग में आएगा, एशिया आएगा, उसके बाद दुनिया में क्या हो सकता है, ये जब तक लोग नहीं देखेंगे दुनिया आपकी तरफ अट्रैक्शन नहीं करेगी। तो ये चीज़ों में हमने कमजोरी दिखाई। कश्मीर कमेटी हैज़ नॉट डन एनीथिंग, फॉरेन ऑफिस आई एम सॉरी टू से, खाली प्राइम मिनिस्टर जो कुछ करना था वो बेचारे करते रहे, ये लेकिन देन देयर टू फॉलो अप दीज अदर थिंग्स। ठीक है जी, सईद काजी साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी, बहुत अच्छी बात की ब्रिगेडियर साहब ने कि एटलीस्ट हमें मुस्लिम ममालिक से एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो तो बात करें, वो तो आवाज़ उठाएं। काजी साहब, अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो अभी एक ऐसी वबा का हम सामना करें सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया कर रही है, और पाकिस्तान में अपोजिशन हो या फिर हुकूमत हो या आवाम हो, कोरोना देख के तो अटैक नहीं करेगा कि जी तुम पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हो या PTI से रखते हो या PMLN से रखते हो या किसी और जमात से रखते हो, वो तो वायरस है, वो किसी पर भी खुदा ना खासा अटैक कर सकता है। लेकिन सॉरी टू से बड़ा दुख हुआ कि अभी मैंने देखा कि इस वायरस पर भी, इस बीमारी पर भी बाकायदा कुछ लोग सियासत कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ सियासतदान नहीं है बल्कि कुछ लंडे के लिबरल्स हैं या फिर बहुत बड़े कुछ सहाफी हैं, मैं नाम लेना मेरे ख्याल से पसंद नहीं करूंगी। अब इनका तो बस चले कुछ लोगों का, तो वो कोरोना वायरस का भी कोई मजहब या फिरका डिसाइड करते हैं।